आगे भाई साहब फोटो लेना मना है, मालूम है? फोटो कहाँ ले रहे हैं? क्यों मना है? मना है, गवर्नमेंट मना किए हुए तो फिर रिलीज वालों। ओके सो आई हैव लेफ्ट माय होम एंड आई एम एज यू हैव सीन लाइक मैं पैकिंग कर रहा था, सो पैकिंग इसलिए कर रहा था और मेरी अभी थोड़ी फटी पड़ी है बिकॉज मुझे थोड़ा लेट हुआ है। सो आई एम ऑन माय वे राइट अवे टू अमृतसर। यस, अमृतसर, मनाली, शिमला, वो ट्रिप प्लान हो चुका है। सो मी एंड मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स, वी आर टोटली 104 पीपल्स। सो उसमें से मेरे गिने चुने कुछ नज़दीक के या फिर मेरे पहचान वाले कुछ ऑलमोस्ट 15 या 20 जन है। तो हम सभी लोग अमृतसर मनाली जा रहे हैं, ठीक है? सो चलो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं कुछ ठीक से बात नहीं कर रहा बिकॉज मुझे थोड़ा लेट हुआ है और ये कैब वाला अभी तक नहीं आ रहा है। प्लीज़ कम फास्ट। थोड़ी ट्रैफिक है, आई होप कि मैं ऑन टाइम पहुंच जाऊँ। ओ भाई, जल्दी से ट्रेन में अपनी जगह बना के लैपटॉप पे मुझे काम करना है बिकॉज इसके पहले भी एक ब्लॉग आया था ना, तो मैं वो हाथों में वो ट्रेन में एडिट करने वाला हूँ। देखते हैं कैसे हो रहा है सब मैनेज। बोल रहे पब्लिक माया कुठे सीट नंबर माहिती आहे? S3 मध्ये जा, पोरं दिसते नाही आहे। भाई साहब फोटो लेना मना आहे, मालूम का? फोटो का ले रहा? क्यों मना है? मना आहे, गवर्नमेंट मना किए हुए तो फिर रिलीज वालों। महाराष्ट्र क्रॉस कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप इज सूरत। आता डायरेक्ट सूरतला भेटलं तर भेटू, नाहीतर आम्हाला आता आज डे 1 डे 2 पूर्ण काहीतरी आवाज आला, ओके डे 1 आहे, डे 2 पूर्ण ट्रॅव्हल करून डे 3 मॉर्निंगला मी पोहोचलो। तर मला वाटत नाही मी जास्त काही दाखवू शकतो, आता बघा आय थिंक टू शो। सो प्लीज क्राईम पेट्रोल थोडा सबर रखना और ब्लॉग देखते रहना, ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके गुड मॉर्निंग गाइस। तो कुठे आहे आपण? हां, आता थोड्याच वेळात आम्ही कोटाला पोहोचू। मला आवाज येतोय की नाही मला माहीत नाही, पण आम्ही आता कोटाला पोहोचतोय। नाईट आमची खूप थंडीमय गेली आहे कारण की भरपूर थंडी येते, भरपूर अजूनही थंडी वाजते। आता वाजताय 11 तरी थंडी वाजते, पण आम्ही हे होप ठेवून आहोत की आम्हाला आता ऊन लागेल आणि आम्ही गरम होऊ। आता बघूयात, आणि रात्रभर तर काही व्ह्यू बघायला मिळालं नाही। सकाळी आत्ता उठलो मी 9 वाजता, फ्रेश वगैरे झालो पूर्ण। आता अजून 12 तास आणि त्यांचा अजून 10 तास, अजून 8 तास असा प्रवास आहे। तो लेट्स सी की आता किती वेळ लागतो आणि काय काय आज मी तुम्हाला दाखवू शकतो। तसं आम्ही हा ब्लॉग छोटाच करणार कारण की मोस्ट ऑफ द टाईम ट्रॅव्हलिंग असेल। चला बघूया। बंटी काहीतरी बोल। हा थंडी,
खूप थंडी आहे. सो आता मी चेक करतो की इकडे किती थंडी आहे ॲक्च्युअलमध्ये. सो ओके, सो इट्स 13 degrees, यू कॅन सी. येस, कोटा मे 13 degrees आहे. गुड बाबे भाऊ, 13 नाही, 9 degrees आहे. 9 degrees आयफोन मध्ये 13 दाखवते. तर बघ, तुझं MI पाणी पित आहे. फर्स्ट टाइम मी एवढ्या लांब आलोय. तेही 9 degrees का 13 degrees मध्ये. ओके, सो हम लोग अभी अंबाला कैंट पहुंच चुके हैं. नाव किती 5 degrees. अभी 5 degrees है बहुत आगे जाना और अमृतसर तक. फर्स्ट टाइम मैं अंबाला गया, दिल्ली तक आया हूँ. दिल्ली से आगे, दिल्ली के बाद अभी अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, ये सब मैं करने वाला हूँ. इट्स माई फर्स्ट एवर टाइम. बहुत ही ठंडी में मेरा एक्सपीरियंस है. और हमारे जो DOP है उनका है, उनका हाथ है. थँक यू बंटी फॉर होल्डिंग माय कॅमेरा, बिकॉज मी हे काढू शकत नाही. मला हे काढायची इच्छा नाही ऑलरेडी. आमचे DOP वाजतंय आणि माया बाय. ओके, सो अभी चीज ये है कि लाइक आई एम एट अ रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन पर थोड़ी भीड़ है. मैं एज यूजुअल ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और सब लोग मुझे से घूर के देख रहे हैं. लाइक सीधी अंकल, सब लोग ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं. यहाँ पे थोड़े लोग हैं वो देख रहे हैं कि क्या बंदा क्या कर रहा है एक्चुअल में. सो इंडिया को अभी तक नहीं पता चल रहा है कि कैमरा लेके या फिर ऐसे कैमरे के साथ बात करने से क्या होता है, व्हाट ब्लॉगिंग इज एक्चुअली. जल्दी पता चल जाएगा और थोड़ी सालों में. तब तक हमें जैसे ब्लॉगर को ऐसे ऐसे लोगों की नज़रों से मतलब कुछ कर नहीं सकते अभी. चलो ऑफ फ्रॉम अंबाला. अभी कुछ लुधियाना आएगा गाइस, और आई होप कि मेरे लेंस फॉग ना हो जाए, बिकॉज थोड़ी थोड़ी लग रही है कि फॉग हो सकती है लेंस. सो इट्स बेटर क्लोज टू कैमरा राइट नाउ. आई गेस कि अभी डायरेक्टली अमृतसर मिलेंगे. ठीक है, चलो बाय. ओके, सो वी हैव रीच अमृतसर एंड वी आर हियर एट होटल नरूला, जो स्टेशन के थोड़े ही नज़दीक है. तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं. ओके, सो अभी इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग हियर. अभी मैं ये व्लॉग एंड करूँ बिकॉज मुझे और थोड़े काम है और मुझे ये जो व्लॉग्स हैं वो सेक्शन सेक्शन में आपको दिखाएँ. सो अभी का ये जो व्लॉग था वो सिर्फ ट्रैवल व्लॉग था. मुंबई सेंट्रल और मुंबई सेंट्रल से अमृतसर, ये जो मेरा ट्रैवल था वो कम्प्लीट हो चुका है एंड आई हैव रीच सेफली एंड हैप्पीली टू अमृतसर. तो अभी मैं ये व्लॉग बंद करता हूँ और आगे जो तैयारी है, मतलब आगे अभी मुझे नहाना है. आगे का जो भी प्रोग्राम है वो जैसे भी ट्रैवलिंग का जो भी इवेंट है, जो भी जैसे सेगमेंट है, वो मैं आपको अगले व्लॉग्स में दिखाता रहूँगा. ठीक है, सो अभी तो आई हैव गॉट माय रूम, यू कैन सी, या इज अ बाथरूम. सो रूम अलॉट हो चुका है. तो अभी मैं फटाफट से नहाऊंगा एंड रेडी हो जाऊंगा और जाऊंगा. कहाँ जाऊंगा? अमृतसर. तो बताओ गेस करो कहाँ जाऊंगा. अगले व्लॉग में मुझे देख लेना कहाँ जा रहा. ठीक है, सो टिल देन Be fit, stay happy, obey your parents, respect girls, and keep saying, I am the best. Or, I guess कि ये vlog आते आते happy new year तो हो चुका होगा. So I wish you a very happy new year, guys. ये आने वाला साल आपको बहुत 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 success दे, आपकी life में changes लाए. जो आपका नए साल का resolution होगा वो आप complete करें. ये मेरी बेस्ट विशेस रहेंगी. जस्ट लव योर सेल्फ एंड लव योर पेरेंट्स.
टिल देन बाय बाय अँड कीप वॉचिंग माय ब्लॉग्स. ठीक आहे, चलो हॅपी न्यू इयर.